दोस्तों अब तक अपने पिछले वीडियोस में हम सीख चुके हैं एक छोटा सा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट क्रिएट करना जावा लैंग्वेज की हेल्प से एंड्रॉइड स्टूडियो में। साथ ही हम ये भी सीख चुके हैं कि कैसे उस एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को हम एक एपीके फाइल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एंड्रॉइड पैकेज फाइल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप कैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और उसको कैसे एपीके फाइल में हम कन्वर्ट करते हैं, आप ये दोनों वीडियो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम एपीके फाइल को, यानी कि एक एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट करी है, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट करी है, उसको कैसे गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे और साथ ही आपके यूजर्स जिनको आप चाहते हैं पूरा वर्ल्ड आपके एप्लीकेशन को देख सकता है। तो जानिएगा पूरा प्रोसेस इस पूरे वीडियो में, देखते रहिएगा पूरा वीडियो एंड तक। मैं हूं निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं बस टू एटैक। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने लैपटॉप में आ गए हैं और हम अपनी बनाई हुई ऐप को आज गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो रिसेंटली पिछले वीडियो में जो ऐप बनाई थी उसका नेम है लव कैलकुलेटर और यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमने सेव किया था फोल्डर। तो डेस्कटॉप में जिस प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट करा तो ऐप में जाके हमें रिलीज में हमें ये ऐप मिलती है। ऐप रिलीज के नेम से होता है, हमने इसका नेम यहाँ पर चेंज कर दिया, लव कैलकुलेटर कर दिया, ठीक है। तो lovecalculator.apk को आज हम गूगल प्ले स्टोर पर अपनी फर्स्ट ऐप अपलोड करेंगे और आप भी सीखेंगे कि कैसे गूगल प्ले स्टोर पर हम ऐप क्रिएट कर अपलोड करते हैं, ठीक है। ऐप क्रिएट करने से लेके एपीके फाइल में कन्वर्ट करने से लेके और अपलोड करने तक ये पूरी सीरीज आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐप स्टोर पर अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना होगा और गूगल पर जस्ट आप टाइप कर दीजिए एंड्रॉयड ऐप पब्लिश, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप पब्लिश लिखते ही आपके पास यहाँ पर गूगल प्ले कंसोल यहाँ पर लिखा आएगा और नीचे लिंक को आप ध्यान से देखिए play.google.com/app/publish। तो आपको जस्ट इस लिंक को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपकी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के लिए आपसे पूछेगा। जस्ट आप अपनी जीमेल आईडी से जिससे आप गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर करना चाहते हैं उससे लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जीमेल अपनी आईडी डाली, अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पर हमारे पास एक कोड आया है जो मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर जीमेल में यूज़ कर, तो जो मैं यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर जीमेल में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे फ़ोन पर यस और नो के लिए आया है। तो जीमेल अकाउंट हमारा लॉगिन हो गया है और जीमेल अकाउंट की हेल्प से हम इस गूगल प्ले कंसोल पर आ गए हैं, ठीक है। साइन इन विद योर गूगल अकाउंट, यानी कि फर्स्ट स्टेप इसका ये था। दूसरा स्टेप इसका था एक्सेप्ट डेवलपर एग्रीमेंट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर किसी और अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। अभी आप किस अकाउंट से साइन इन है वो आपका यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास बिफोर यू कंटिन्यू यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट द डेवलपर एग्रीमेंट, क्योंकि आपने ऐप डेवलप की है, आपने अपनी एपीके फाइल क्रिएट करी है, दैट मीन कि यू आर द डेवलपर। So you have to check this agreement. आप इस agreement को check करेंगे। I am at least 18 years of age और यहाँ पर काफ़ी सारे norms यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको check करके आप continue to payment करेंगे। या दोस्तों आपको Google Play Store पर app upload करने के लिए एक one time payment आपको करना पड़ता है जिसकी आपकी value होती है $25 की, ठीक है। $25 का payment आपको यहाँ पर करना होता है जो कि आपका लाइफ टाइम पेमेंट है, जो कि डेवलपर रजिस्ट्रेशन फी है। इसमें आप कितनी भी ऐप्स अपलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपको ये पेमेंट करना ही होता है। तो इस रजिस्टर पेमेंट को, रजिस्ट्रेशन फी को हम यहाँ पर पे करते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो गया है और योर पेमेंट इज कंप्लीट हमारे पास लिखा है। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया हमने तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैसेज भी आ गया है। यहाँ पर हमारे पास आता है ऑप्शन, हम यहाँ पर डेवलपर नेम, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर नेम, आप यहाँ पर या तो अपनी कंपनी का नेम, ये वो नेम होता है आप देख सकते हैं, द डेवलपर नेम इज डिस्प्लेड टू यूजर्स अंडर योर एप्लीकेशन नेम, चेंजेस टू द डेवलपर नेम विल बी रिव्यूड बाय गूगल एंड कैन टेक अप टू द 7 days। यानी कि डेवलपर नेम आप यहाँ पर मेंशन जो करेंगे वो आपके एप्लीकेशन के जस्ट नीचे जो लिखा था वो नेम होगा। सपोज मैं अपना डेवलपर नेम यहाँ पर ले रहा हूँ बस टुडे। ठीक है, बस टुडे मैंने यहाँ पर अपना डेवलपर नेम दे दिया है। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर दे देता हूँ, जो मैं ईमेल एड्रेस से मैंने साइन इन किया है। ठीक है, वेबसाइट सपोज मैं अभी दे देता हूँ यहाँ पर बस टुडे .net। फोन नंबर, ओके। सो यहाँ पर ईमेल प्रेफरेंस, आई वुड लाइक टू गेट न्यू फीचर्स अनाउंसमेंट ऑन टिप्स टू हेल्प इम्प्रूव माई ऐप, बिल्कुल। आई वुड लाइक टू गिव फीडबैक टू हेल्प इम्प्रूव द गूगल प्ले कंसोल, तो इसको भी चेक कर देंगे, दोनों को चेक कर देता हूँ। बिल्कुल, हमें फीडबैक के मेल्स भी चाहिए और फीचर अनाउंसमेंट के मेल्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पर फिलअप कर दी है और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो हमारी एक प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, गूगल प्ले कंसोल पर $25 का पेमेंट करके, यानी कि नियर अबाउट 1700-1800 का यहाँ पर पेमेंट इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं काफ़ी सारे, ऑल एप्लीकेशंस, गेम सर्विसेज, ऑर्डर मैनेजमेंट, डाउनलोड रिपोर्ट्स, अलर्ट सेटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं, सपोर्ट्स फॉर न्यू बायर करेंसीज, स्टेट एंड लोकल सेल टैक्स चेंजेस इन DC, OK, PA, SD इफेक्टिव। तो यहाँ पर जो डेली जो मैसेजेस आते रहते हैं आपके अपडेट्स रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इंटरफेस आप एक बार इसका देख लीजिए, यहाँ पर पब्लिश एन एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल पे यहाँ पर आ रहा है, यूज गूगल प्ले गेम सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐड सोशल गेम्स फीचर टू योर गेम्स ऑन एंड्रॉयड, iOS एंड वेब, और इफ़ यू नीड हेल्प, यहाँ पर देखें, इफ़ यू नीड हेल्प विद द डिटेल्स हैव अ लुक एट द गेटिंग स्टार्टेड गाइड। यानी कि यहाँ पर से तो आपको गाइड मिलेगी आपको एंड्रॉयड ऐप पब्लिश करने की, और यहाँ पर अगर आप गेम से रिलेटेड गेम कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है, यानी कि इसको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं, पब्लिश एन एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल पे पर क्लिक करते हैं और अपनी फर्स्ट ऐप हम पब्लिश करते हैं। ठीक है, यहां पर हमारी ऐप का नेम है लव कैलकुलेटर। ठीक है, सैंपल, लव कैलकुलेटर सैंपल के नाम से या फिर एग्जांपल के नेम से अभी हम सेव कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट सैंपल ऐप बनाई है, आगे और भी ऐप्स क्रिएट करेंगे तो हम इसको अपलोड कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट करा हमने इसको क्योंकि हमने लव कैलकुलेटर ऐप क्रिएट करी थी रिसेंटली, इसलिए हम लव कैलकुलेटर यहां पर क्रिएट करा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लव कैलकुलेटर एप्लीकेशन फॉर यूट्यूब ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पर ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है आपको, फ्रॉम बस टुडे टैक। ओके, तो यहाँ पर हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है, यहाँ पर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी दे दीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर ही दे दीजिए। सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल http://www.youtube.com/c/bustodaytech। ओके, तो ये हमारा फुल डिस्क्रिप्शन हो गया है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ग्राफिक एसेट्स, अगर आप यहाँ पर मैनेज योर ऐप आइकन स्क्रीनशॉट एंड वीडियोस टू प्रमोट योर ऐप ऑन गूगल प्ले, और यहाँ पर रिव्यू द इम्पर्सनेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी बिफोर अपलोडिंग न्यू ग्राफिक्स,
if you add translations for your storing listing without localized graphic, the graphic from the default listing will be used. So that means कि यहाँ पर आप graphics यानी कि आपके app icon आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, plus यहाँ पर जो snapshot आप app पर देखते हैं वो आप upload कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़रूरत है कुछ ऐप आइकन की और ग्राफिक्स की, तो चलिए मैं यहाँ पर ऐप आइकन और ग्राफिक्स आपके लिए यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं ऐप आइकन, यहाँ पर लिखा है ऐड हाई रेजोल्यूशन आइकन ड्रॉप इमेज हेयर। तो जस्ट मैंने अभी फोटोशॉप से एक आइकन यहाँ पर क्रिएट करा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 512x512 पिक्सल का आप इमेज आइकन क्रिएट कर सकते हैं, ऐप आइकन जो आपकी ऐप पर सिलेक्ट होगा वो। तो मैंने आइकन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और क्रिएट कर लिया है PNG फॉर्मेट में। तो जस्ट मैं इसको अपलोड करूँगा, मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप लिखा है, आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे अभी मेरा ऐप आइकन यहाँ पर अपलोड होके आ जाएगा। आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप आइकन हमारे पास अपलोड हो गया है, हमने जो ऐप आइकन क्रिएट करा था। यूज योर एग्जिस्टिंग आइकन फ्रॉम नाउ, वी विल स्केल डाउन योर आइकन ऑन June 24। तो उन्होंने June 24 के हिसाब से कुछ ऐप आइकन के लिए कुछ अपडेट्स ऑलरेडी निकाल रखी है, तो उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यूज द न्यू आइकन स्पेसिफिकेशन नाउ, तो आप न्यू पर ही क्लिक कर दीजिए। स्क्रीनशॉट जैसे कि आपने देखा होगा, आप जो ऐप जो भी डाउनलोड करते हैं उसके कुछ स्क्रीनशॉट होते हैं, तो मैंने भी जब यहाँ पर अपनी ऐप क्रिएट करी थी तो फ़ोन में जब आपको यहाँ पर रन करके दिखाया था ऐप को, तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे, उनको अपलोड कर देते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट थे हमारे लव कैलकुलेटर के, तो हम इनको भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों स्क्रीनशॉट हमने अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। तो फोन्स के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, एंड्रॉयड टीवी के लिए अलग, और वेयर ओएस जो हैं उनके लिए अलग आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो मेरे पास जस्ट फ़ोन के लिए है, तो जस्ट मैं फ़ोन के लिए अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। देन नेक्स्ट फीचर ग्राफिक, अगर आपके पास फीचर ग्राफिक कुछ और हैं, प्रोमो ग्राफिक कुछ और है, टीवी का बैनर कुछ और है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री अगर आपका कुछ फ़ोटो है या फिर आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ है तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोमो वीडियो है, प्रोमो वीडियो अगर आपका कुछ है तो वो उसका URL आप यहाँ पर डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं, इसके हेल्प से यहाँ पर लोग आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रोमो वीडियो देख पाएंगे। सपोज़ मैं यहाँ पर जिस वीडियो में मैं आपको ये ऐप क्रिएट करना सिखा रहा हूँ वो यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ प्रोमो में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम बस टुडे टैग सर्च कर लेते हैं, ठीक है, नीचे आ गया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो ये वीडियो सीखे कैसे बनाते हैं मोबाइल ऐप, इसमें हमने आपको क्रिएट करना सिखाया था, तो उसका लिंक सपोज मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एप्लीकेशन टाइप क्या है, एप्लीकेशन ही है, गेम नहीं है। कैटेगरी कौन सी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से हम कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं, सपोज़ कैटेगरी यहाँ पर लाइफस्टाइल नहीं, डेटिंग हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं या फिर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, डेटिंग कर लेते हैं क्योंकि लव ऐप है तो हम डेटिंग कर लेते हैं। कंटेंट रेटिंग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, यू नीड टू फिल अ रेटिंग क्वेश्चनियर एंड अप्लाई अ कंटेंट रेटिंग, ठीक है। ये जब आप ऐप अपलोड कर देंगे उसके बाद आपका काम आएगा, वेबसाइट आपकी आ ही रही है, ईमेल आपका आ ही रहा है, फ़ोन आप इसमें एंटर कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। प्राइवेसी पॉलिसी आप अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा रहता है जिसमें आपका कुछ कॉपीराइटेड या फिर आपकी वायलेशन रिलेटेड हो तो आपको इसमें प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अनचेक कर देते हैं, इसको चेक कर देते हैं, नॉट सबमिटिंग अ प्राइवेसी पॉलिसी यू आर एट दिस टाइम, और इसको हम सेव ड्राफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपकी एक डिटेल फाइनलाइज हो जाती है कि आपकी ऐप की क्या डिटेल रहेगी, उसके बाद जस्ट आप सेव कर देते हैं इसको। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद जस्ट आप अपनी एप्लीकेशन यहां से सेव कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको सेव करके बताया। इसके बाद आपको अपनी APK फाइल अपलोड करनी होती है, कैसे करेंगे, यहां पर आपके पास स्टोर लिस्टिंग में इस वक्त हैं, आप अपना स्टोर आपने क्रिएट करा है यानी कि जिसमें आपने अपनी ऐप की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर
फिलअप्स कर दिए है, ठीक है। अब इसके साथ आपको एक अटैच करनी है आपकी एपीके फाइल, तो उसको हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको जाना होगा ऐप रिलीज नाम के इस ऑप्शन में। ऐप रिलीज में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक डिफरेंट इंटरफेस ओपन होगा, आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें आपके पास प्रोडक्शन ट्रैक आता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऐप आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, बीटा, अल्फा, इंटरनल टेस्ट या फिर प्री रजिस्ट्रेशन ऐप, कुछ भी आप यहाँ पर जिस टाइप की आपकी ऐप है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्शन यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ कि हमारी जो सैम्पल ऐप है वो एकदम रेडी है, और उसके लिए हम यहाँ पर मैनेज पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास फर्स्ट टाइम में एडिट रिलीज का ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है, तो आप मैनेज पर क्लिक करेंगे। सपोज़ मैं मैनेज पर क्लिक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास एडिट रिलीज मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। आपके पास वही सेम ऑप्शन आएगा जो अभी मेरे पास आएगा, एडिट रिलीज पर क्लिक करता हूँ मैं। एडिट रिलीज पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन आते हैं ऐप सेलेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं लेट गूगल मैनेज एंड प्रोटेक्ट योर ऐप साइनिंग की, ठीक है। तो साइनिंग ई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन आता है, उसको आपको जस्ट अनेबल करना होता है। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है एंड्रॉयड ऐप बंडल्स एंड एपीके टू ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आपकी एपीके फाइल अपलोड करनी है, तो चलिए अपलोड करते हैं। ब्राउज फाइल में जाते हैं और अपनी जो ऐप है लव कैलकुलेटर फोल्डर में हमारी एपीके यहाँ पर है, तो लव कैलकुलेटर डॉट एपीके हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने क्रिएट करी थी। ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो एपीके है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो ऐप हमारी अपलोड यहाँ पर हो चुकी है और प्रोसेसिंग यहाँ पर कुछ चल रही है, देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपकी जो ऐप है आप देख सकते हैं यहाँ पर एपीके अपलोड हो गई है। वर्जन कोड यहाँ पर लिखा रहा है 1, ऐप डाउनलोड साइज लिखा रहा है 1.13 MB, और देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर API लेवल 14+, टारगेट SDK 28, ठीक है। स्क्रीन लेआउट स्मॉल, नॉर्मल, लार्ज, एक्सेल, ठीक है, नॉन ओपन GL सर्विसेज, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और इसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर सब ऑटोमेटिकली आ गई हैं, ठीक है। सपोर्टेड एंड्रॉयड डिवाइसेज आप देख सकते हैं, इतनी डिवाइसेस को ये सपोर्ट करेगी ये ऐप, ठीक है। अब इतनी डिवाइस के कितने यूज़र्स होंगे उन पर डिपेंड करता है, यानी कि इतने तरह की डिवाइस आपकी ये ऐप सपोर्ट करेगी। नेम टू आइडेंटिफाई रिलीज इन द प्ले कंसोल ओनली, आप इसका वर्जन कौन सा वर्जन अपलोड हो रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1.0 हमने आप लिख दिया। व्हाट्स न्यू इन द रिलीज, मतलब आप जब देखते हैं कि जब आप न्यू ऐप में कुछ न्यू आता है तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। अभी हमारा ये फर्स्ट ऐप है इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे। जब हमने सपोज इसका न्यू वर्जन अपग्रेड किया तो यहाँ पर हम न्यू ऐप में यानी कि न्यू अपग्रेड फीचर में क्या क्या है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको सेव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिव्यू करा हमने तो कन्फर्म रोल आउट टू प्रोडक्शन 1.0, प्रिपेयर रिलीज, रिव्यू एंड रोल आउट, तो यहाँ तक का हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी ऐप हम अपलोड कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन टिक आ चुका है, आइटम रेडी टू पब्लिश। इसके बाद हम कंटेंट रेटिंग, जो हमारे पास पहले ऑप्शन आ रहा था एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद, जितने भी आपके पास राइट्स आ रहे हैं इनको हम टास्क को कंप्लीट करना है हमें, तो यहाँ पर कंटेंट रेटिंग को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो कंटेंट रेटिंग हमारा ओपन हो गया है, आप यहाँ पर मेल एड्रेस अपना एंटर कर सकते हैं जिस पर आपको कंटेंट रेटिंग का मेल मिले, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कुछ डिफरेंट मेल अगर डालना चाहें तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोई बिजनेस मेल हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब आपके पास देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि किस तरह के आपको सिलेक्ट योर ऐप कैटेगरी, ठीक है। तो यहां से आप अपनी ऐप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। अभी जस्ट हम अपनी ऐप कैटेगरी को रेफरेंस, न्यूज और एजुकेशनल में डाल देते हैं। और यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि कैन द ऐप कंटेंट वायलेंट मटेरियल, सो हम इसको नो कर देते हैं, कोई वायलेंट मटेरियल नहीं है यहां पर, सेक्सुअलिटी भी नहीं है। लैंग्वेज की बात आती है तो लैंग्वेज, कैन द ऐप कंटेन एनी पोटेंशियल ऑफेंसिव लैंग्वेज, नो, यानी कि एब्यूसिव लैंग्वेज या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली ना हो। कंट्रोल्ड सब्सटेंस, कैन द ऐप कंटेन रेफरेंस टू और डिपिक्शंस ऑफ इलीगल ड्रग्स, नो,
बिल्कुल नहीं, आप भी जानते हैं हमारी ऐप कैसी है। डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट और एक्सचेंज कॉन्टेंट विद अदर यूजर्स? नो। डज द ऐप शेयर द यूजर्स करंट फिजिकल लोकेशन? नो। डज द ऐप अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स? नो। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी आपकी जिस चीज़ से रिलेटेड ऐप है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वो चीज़ें सेलेक्ट कर देंगे एंड देन सेव क्वेश्चनेयर कर देंगे। यहाँ पर सेव क्वेश्चनेयर करने के बाद आपका जो कंटेंट रेटिंग है, यहाँ पर आपके पास रेटिंग आएगा, कैलकुलेट रेटिंग का ऑप्शन आपके पास आएगा, कैलकुलेट रेटिंग। तो वो कैलकुलेट रेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास डिस्क्लेमर आ गया है और अप्लाई रेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए रेटिंग को और ऑटोमेटिकली आपके पास देखिए जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं, सबमिट एंड न्यू कंटेंट रेटिंग और कंप्लीट हो गया है आपका, स्टार्ट न्यू क्वेश्चनेयर यहाँ पर आ रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पर चेक का निशान आ गया है, यानी कि चेक बॉक्स आ गया है, यहाँ पर टिक आ गया है, दैट मीन कि योर आइटम इज़ रेडी टू पब्लिश। देन प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी कोई ऐप पेड है तो आप उस पर पेड पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी ऐप फ्री है तो फ्री पर क्लिक करेंगे। टू पब्लिश पेड एप्लीकेशन यू नीड टू सेट अप एन मर्चेंट अकाउंट। तो यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट हमारा ऐड नहीं है अभी, तो हम जस्ट फ्री पर क्लिक रखेंगे। ठीक है, कंट्रीज अनअवेलेबल कंट्रीज यहाँ पर हमारी आ रही है 149, अवेलेबल कंट्रीज आ रही है 0। तो यहाँ पर जस्ट हम सभी कंट्रीज अवेलेबल कर देंगे, तो अवेलेबल कंट्रीज हमारे पास सारी कंट्रीज आ गई हैं। ठीक है, चाइल्ड डायरेक्टेड, इज योर ऐप प्राइमरी डायरेक्टेड टुवर्ड्स चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 13? नो कर दीजिए, क्योंकि लव कैलकुलेटर है तो अंडर द 13 एज का कोई मतलब नहीं है, अभी एड्स नहीं है ऐप में, तो इसको नो कर देते हैं हम। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। टू सबमिट योर ऐप फॉर रिव्यू, एंड्रॉयड ऑटो, डे ड्रीम, सबमिट योर ऐप फॉर पोटेंशियल इंक्लूजन ऑन डे ड्रीम, डिज़ाइन फॉर फैमिलीज, मैनेज्ड गूगल प्ले, टर्न ऑन। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट गाइडलाइन देख लीजिए, दिस एप्लीकेशन मीट एंड्रॉयड कंटेंट गाइडलाइन। ठीक है, इन गाइडलाइन को आप पढ़ सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आप ऐप क्रिएट करें। US एक्सपोर्ट लॉज को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपनी ऐप क्रिएट करें। ये मैंने टिक इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क आ रहा है, दैट मीन कि ये नीडेड है, इनको टिक करना ज़रूरी है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है यहाँ पर जो टिक करना ज़रूरी हो, और हमने एप्लीकेशन फ्री हो गई है। देन जस्ट इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर लगभग हम सभी चीज़ें फिलअप कर चुके हैं, लेकिन स्टोर लिस्टिंग में अभी भी एक चीज़ रह रही है। यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके पास राइट के निशान आ रहे हैं सब आपके पास ग्रीन होनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम ग्रीन पर टिक करते हैं तो आइटम रेडी टू पब्लिश आ रहा है, तो दैट मीन कि आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो स्टोर लिस्टिंग में हमारे पास एक चीज़ रह रहा है, वन टास्क टू कंप्लीट बिफोर यू रोल आउट, यू नीड टू ऐड अ फीचर ग्राफिक। ठीक है, यानी कि जब हम स्टोर लिस्टिंग में चलते हैं, स्टोर लिस्टिंग में चलने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टोर लिस्टिंग में हमारे पास जो यहाँ पर कह रहा है फीचर ग्राफिक एक हमसे अपलोड करने के लिए कह रहा है, और इस पर स्टार भी है। ठीक है, तो ये अपना जो अपलोड करना है इसको मैंडेटरी है, तो इसको हमको अपलोड करना होगा। इसको हम डिज़ाइन करते हैं 1024500 इसका हमको दे रखा है विड्थ और हाइट, तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं। एक ऐसे ही सैम्पल हम क्रिएट कर लेते हैं इसका फीचर ग्राफिक। सब इसको हम सेव कर लेते हैं PNG में और डेस्कटॉप पर फीचर्ड के नाम से सेव कर लिया हमने इसको, ओके कर देते हैं। एंड इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, featured.png सेम हमने उसमें कर दिया है। ऐड और ड्रॉप कर सकते हैं हम यहाँ पर, फीचर्ड के नाम से हमारी इमेज है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर ये इसको अपलोड करना ज़रूरी था, इस वजह से हमारा ये ग्रीन टिक नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके यहाँ पर सभी चीज़ें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन जिनके आगे आपके पास यहाँ पर राइट का साइन आ रहा है, वो आपके सभी ग्रीन टिक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फीचर ग्राफिक इमेज है वो अपलोड हो रही है।
तो फीचर्ड ग्राफिक हमारी अपलोड हो गई है, जस्ट अब हम इसको सेव ड्राफ्ट कर देते हैं क्योंकि बाकी की सारी सभी चीज़ें हमने फिलअप कर रखी हैं। तो अब हमारा स्टोर लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर हमारा ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा स्टोर लिस्टिंग यहाँ पर ग्रीन होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्टोर लिस्टिंग भी हमारा ग्रीन हो गया है, हमारा टास्क लगभग कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। हमारी ऐप जो है आप देखिए रेडी टू पब्लिश यहाँ पर लिखा आ रहा है। सभी टिक ग्रीन करने के बाद आपके पास यहाँ पर रेडी टू पब्लिश लिखा आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर या तो पब्लिश का ऑप्शन आएगा, नहीं तो आपके पास ऐप रिलीज में वापस से आपको जाना होगा और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं प्रोडक्शन ट्रैक, एडिट रिलीज, मैनेज। तो आप एडिट रिलीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपनी ऐप अपलोड करी थी याद करें तो, यहाँ पर अभी आपके जो कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुए हैं 1 और 2। अब देखिए 1 ब्लू आ रहा है, 2 आपका शेडेड आ रहा है, तो आपको इसको 2 को रिव्यू एंड रोल आउट करना है। तो आपको अपनी ऐप को नीचे से सबसे नीचे जाना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आप इसको जस्ट स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। आपके पास यार योर ऐप विल नाउ बिकम अवेलेबल टू ऑल यूजर्स ऑफ द प्ले स्टोर, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो कन्फर्म कर दीजिए जस्ट इसको आप। यहाँ पर हमारे पास पेंडिंग पब्लिकेशन यहाँ पर लिखा गया, दैट मीन कि हमारी जो ऐप है वो अपलोड हो चुकी है गूगल प्ले स्टोर पर। जस्ट यहाँ से पेंडिंग पब्लिकेशन हटकर जब कंफर्म हो जाएगा गूगल की तरफ से, तो हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब यहाँ से पेंडिंग पब्लिकेशन हट जाएगा, तो इसके लिए टाइम लगता है कम से कम 2 to 3 hours का। उस टाइम का वेट करने के बाद फिर मैं आपके पास गूगल प्ले स्टोर से अपनी ऐप डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, यूज़ करके फिर आपको ये वीडियो पब्लिश करके दूंगा। तो तब तक के लिए वेट करते हैं इस पेंडिंग पब्लिकेशन के हटने का और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट वेट करने में ही यहाँ पर मेरी ऐप जो पेंडिंग पब्लिकेशन आ रहा था यहाँ पर पब्लिश्ड यहाँ पर आ गया है। आप अपनी ऑल एप्लीकेशन में जाके इसका स्टेटस देख सकते हैं। लव कैलकुलेटर सैम्पल, ये आपकी ऐप का नेम आ रहा है, ठीक है। एक्टिव इंस्टॉल्स यानी कि आपके कितने डिवाइस ने आपकी ऐप अभी तक इंस्टॉल किया है, यहाँ पर अभी 0 आ रहा है। एवरेज रेटिंग टोटल, यहाँ पर 1 star ही आ रही है अभी क्योंकि कोई स्टार रेटिंग नहीं है, और पब्लिश्ड यहाँ पर आ गया है। दैट मीन कि हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अब अवेलेबल है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अपनी ऐप पर क्लिक करके देख सकते हैं, व्यू ऑन गूगल प्ले। जब इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ऑनलाइन ओपन होता है और आपकी ऐप किस तरह की नज़र आ रही है वो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लव कैलकुलेटर सैंपल नेम से हमने ऐप यहाँ पर डाली थी। बस टुडे मैंने अपने यहाँ पर उसका नेम डाला था कि कौन सा नेम इसके नीचे शो होना चाहिए। डेटिंग हमने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर दी थी और ये हमने फीचर्ड वीडियो डाला था, इसमें उसका यूट्यूब का लिंक डाल दिया था जिसमें आप इसका प्रोमो वीडियो या फिर हमने जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंटर कर दिया था। आप अपनी ऐप में सेलेक्ट कर सकते हैं, जो स्नैपशॉट जो स्क्रीनशॉट हमने एंटर किए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ गया है और कंप्लीट यहाँ पर आ गया है। डेवलपर नेम यहाँ पर आ गया है, विजिट वेबसाइट यहाँ पर आ गई है और अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हमारी ऐप यहाँ पर आ गई है। अब देखने वाली बात यह है कि हम अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर में देख पाते हैं या नहीं देख पाते। इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल में और गूगल प्ले स्टोर पर हम जाते हैं। यहाँ पर जस्ट हमको ऊपर सर्च करना होगा लव कैलकुलेटर सैम्पल। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐप्स लव कैलकुलेटर बेस्ड ऐप्स बनी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। यहाँ पर हजारों ऐप्स बनी हुई हैं यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में आपकी ऐप पर कोई भी रेटिंग्स नहीं होती, कोई भी कमेंट नहीं होता, इसलिए आपकी ऐप आपको बहुत नीचे आपको मिलेगी, जिसमें आपको इसको सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर मिलेगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए अभी हमने इस ऐप को अपनी विशलिस्ट में डाल दिया था। तो जस्ट मैं अपने गूगल प्ले अकाउंट की विशलिस्ट में जाके देखता हूँ तो ये ऐप मुझे मिलती है लव कैलकुलेटर सैम्पल। तो यहाँ से मैं इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता हूँ। रीड मोर में आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आप चाहते हैं इस ऐप से रिलेटेड, जो हमने यहाँ पर पुट ऑन की हुई है। तो जस्ट हम इसको इंस्टॉल करके देखते हैं क्या हमारी ऐप फाइनली वर्क कर रही है। डाउनलोड हो रही है हमारी ऐप, ठीक है। लगभग 1.1 MB की ऐप हमने क्रिएट करी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ऐप डाउनलोड हो रही है। अच्छा आइकन लग रहा है, हमने अच्छा आइकन क्रिएट कर लिया है। ओपन करेंगे इस ऐप को और हमारे फ़ोन में ये ऐप आ चुकी है और आप देखें कि यहाँ पर हमारी जो ऐप है एकदम परफेक्ट वर्क कर रही है। 84% इतना ही रिजल्ट हमारे पास उस टाइम आ रहा था। आप कोई सा भी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो एक फन ऐप है, इसी तरह आप ऐप को अपलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। तो यही था इस वीडियो में अब तक। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारे इस वीडियो से, इससे पहले की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा कि आप कैसे एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप कर सकते हैं, प्लस उसको कैसे एक एपीके फाइल में, एंड्रॉइड पैकेज फाइल में आप उसको कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही आप कैसे अपलोड करते हैं अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आपको हमारे वीडियो से नॉलेज मिली हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको इनसे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप को लाइक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके अगर कोई सवाल है, ऐसे सवाल है जिनका डिस्क्रिप्शन में आंसर नहीं दिया सकता, आप उसके स्नैपशॉट हमें फेसबुक ग्रुप पर अपलोड करके आप उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इनसे कुछ भी नॉलेजेबल चीज आपको सीखने को मिल रही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन आने वाले हर एक नॉलेजेबल स्टफ का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।